उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बता दें कि उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी का नेता चुना गया था। गढ़वाल के कलगीखल विकासखंड के सीरों में 9 अप्रैल 1964 को जन्मे तीरथ सिंह रावत छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। रावत संघ की पृष्ठभूमि से बीजेपी की राजनीति में आने वाले नेता हैं। उनका छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा है। 1997 में पहली बार वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वह राज्य के मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2012 में चौपटा खाल विधानसभा सीट से चुनाव जीते। साल 2013 से 31 दिसंबर 2015 तक वह उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें गढ़वाल सीट से उतारा था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत का साल 2017 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट काट दिया था। उस समय वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और चौबट्टा खाल के विधायक थे। रावत का टिकट काटकर कांग्रेस से आए नेता सतपाल महाराज को दे दिया गया था। उस समय लगा था कि तीरथ सिंह कोई विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी के निर्णय को मान लिया। इसके बाद ही तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया था। टिकट कटने के बाद भी वो लगातार काम करते रहे। इसी बीच 2019 में तीरथ सिंह रावत को पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और वो सांसद बन गए। यहां बताते चले कि रावत 1997 से 2002 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। वर्ष 2000 से 2002 तक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री रहे। 2012 से 2017 तक विधायक रहे। 2013 से 2015 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएम चुने जाने की घोषणा के बाद तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना बड़ा भाई बताया था। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है वो वह निभाएंगे। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वह केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें ये पदभार दिया। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।